और आज के विशेष दिन पर हिंदी से संबंधित तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रोफेसर चंदन कुमार सर का एक बहुत प्रिय पद है, गदलस्र भावुकता भरे कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा के नाम पर कई तरह के प्रलाप, आलाप, विलाप भी किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगा और हमारे कॉलेज को लगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और उसे विशेष तौर पर हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के रूप में एक अलग तरह से हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के संदर्भ में हम हर चीज़ का आज के दौर में कैसे विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकते हैं। पीछे क्या हुआ, अतीत में क्या कुछ घटा बिगड़ा, ये सब बात की चीज़ें हैं, इन पर लगातार हम बातचीत करते ही रहते हैं। लेकिन आज़ादी की विरासत को याद करते हुए हम भारतीय भाषाएं और हिंदी आज के समय में किस तरह से अपनी भूमिका में मौजूद हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निभाई गई भूमिकाओं से भाषाएं क्या सीख ले सकती हैं और क्या नया कदम उठा सकती हैं, क्या नया जोड़ सकती हैं, घटा सकती हैं, राष्ट्र के विकास में उनकी क्या अलग तरह की विशेष भूमिका की पहचान की जा सकती है, तो उस विरासत को याद करते हुए तो इस संदर्भ में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति जो कॉलेज की है, जिसके नोडल ऑफिसर दीपांकर जी हैं, हमने ये तय किया कि इस तरह से विषय रखा जाए और इस पर एक विशेष बातचीत हो, जिसके लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर चंदन कुमार सर से आग्रह किया था और सर ने हमारा आग्रह स्वीकार कर आज हमें समय दिया। इसके लिए सर आज फिर से इस कार्यक्रम में आपका विशेष स्वागत और अभिनंदन। और आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय IQAC सेल और अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से आप सबका, जितने मित्र प्रतिभागी सभी से मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। मित्रों, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं इस अवसर पर सबसे पहले अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी दिवस है आज, तो इस हिंदी दिवस के संदर्भ में आज के विषय को जोड़ते हुए 5 मिनट कुछ हम लोगों के बीच अपना विचार साझा करें। सर, माइक आपके हाथ। धन्यवाद अरविंद जी। आज के हमारे वक्ता और सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर चंदन कुमार जी, नमस्कार। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए हमारे कॉलेज के नोडल ऑफिसर श्री दीपांकर जी, इस कार्यक्रम के संयोजन कर रहे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी, IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता तुली और सभी सहयोगी मित्रों और विद्यार्थियों, हम सबको हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामना। जैसा कि अरविंद जी आपने कहा, हमारा कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक व्याख्यान और अनेक कार्यक्रम का आयोजन अगले आने वाले एक पखवाड़े तक हम आयोजित करेंगे। और इसको हमने आज़ादी के आंदोलन से या आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ करके इस कार्यक्रम को, इस पखवाड़ा को मनाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि आज़ादी का हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और इसके तहत जो विद्यार्थी हैं सबको ये पता लगना चाहिए कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ हमारी जो भाषा है, जो हिंदी है, वो खड़ी बोली के रूप में स्थापित हुई या खड़ी हुई, फिर कैसे वो आंदोलन चला, कैसे परिमार्जित और परिष्कृत हुई, कैसे साहित्य की भाषा बनी या सर्वजन की भाषा बनी, कैसे राष्ट्रभाषा बनी, राजभाषा के रूप में क्या उसकी स्थिति है और क्या किस तरह से समाज, संपर्क और बाजार की भाषा भी है आज, ये बहुत सारी बातें हैं हिंदी को लेकर के और हिंदी भाषा को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। मेरे लिए तो हिंदी दिवस रोज है क्योंकि मैं हिंदी की रोटी खाता हूँ, तो मेरे लिए हिंदी दिवस केवल एक दिन या एक पखवाड़ा से मेरा काम नहीं चलता, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जिन लोगों को हिंदी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ भ्रम है और उनके दिमाग में ये रहता है कि हिंदी से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उनका भी भ्रम
दूर होता है, कम से कम इन कार्यक्रमों के माध्यम से। और मैं हमेशा मानता हूँ, और हमारे कॉलेज ने खास करके हिंदी को लेकर के जिस संजीदगी से पूरे साल हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, वैचारिक विमर्श या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियाँ और भी बहुत सारे रचनात्मक और साहित्यिक बातचीत या सृजनात्मक लोगों से जो सृजन कर रहे हैं, रचनाकारों से हमारे विद्यार्थियों की मुलाकात, सृजन कर्म कैसे करें और उसको कैसे सीखें, तो ये सारे कार्यक्रम पूरे साल चलते हैं। और इसके माध्यम से जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो तो उससे समृद्ध होते ही हैं, बाकी जो दूसरे विषय के भी विद्यार्थी हैं वो भी समृद्ध होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और ये पूरे वर्ष चलाने की आवश्यकता है। हिंदी का विस्तार कितना हो चुका है यह बताने की जरूरत नहीं है, उसकी धमक कहाँ तक पहुँच चुकी है और कैसे आज विश्व में ये बोले जाने वाली एक दूसरी भाषा है, तो इस ये सारी बातें, ये सब आंकड़े हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि आप हर स्तर पे हिंदी को पहचान और परख और तलाश सकते हैं और उसकी मौजूदगी को स्वीकार सकते हैं। बहरहाल आज के हमारे जो वक्ता हैं चंदन प्रोफेसर चंदन कुमार जी, उनका मैं कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की विरासत और हिंदी विषय पर बोलने की अपनी सहमति दी है। और इस पर वो अपना, मुझे पता है कि वो अपना व्याख्यान देंगे और किस अंदाज और उनकी जो बयां करने की शैली है, तो वो तो उसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तो वो निश्चित रूप से हम सबको कुछ न कुछ नई चीज और नई बातें सीखने को और जानने को मिलेंगी। तो मैं आयोजकों को इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना और बधाई देता हूँ, और आने वाले 15 दिन में जो भी आप कार्यक्रम करेंगे उसके लिए भी शुभकामना, और विद्यार्थियों को खास करके, जिन विद्यार्थियों ने ये परिकल्पना की कि हम एक पखवाड़ा के रूप में इस तरह से 15 दिन का कार्यक्रम करेंगे और रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, तो उन विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में शिक्षकों को भी जो इसके साथ संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने पिछले जुलाई से कार्यक्रम शुरू किए हैं और पूरे वर्ष चलेगा, अगले 15 अगस्त तक, अगले स्वाधीनता दिवस तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें बहुत तरह के कार्यक्रम होंगे, साहित्य से, कला से, विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यक्रम होंगे, इसके लिए भी शुभकामना। पुनः चंदन जी का स्वागत और आपको अरविंद जी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने आज के दिन हिंदी दिवस के बारे में बहुत सही तरीके से बात कही। पहली बात तो ये कि औपचारिक रूप से, सांकेतिक रूप से हिंदी दिवस का आज के दिन का क्या विशेष महत्व है, और दूसरी बात ये कि जो लोग हिंदी भाषा के कर्मी हैं, जो हिंदी भाषा को ही जीते और मरते हैं रोज, उनके लिए रोज हिंदी दिवस होता है। इन दोनों संदर्भों में आपने हिंदी दिवस के महत्व को हमारे सामने रखा, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। और एक सही सूचना साझा की सर आपने कि हिंदी विभाग अगले पूरे पखवाड़े में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें अभिषेक और उनकी पूरी टीम का बहुत विशेष भूमिका है। उसमें मुख्य रूप से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय रचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, काव्य पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस तरह से पूरे पखवाड़े को हिंदी भाषा और उसके तमाम गतिविधियों से जोड़कर लगातार रचनात्मक रूप में सृजनशील रखा जाएगा। मैं सर का फिर से स्वागत करता हूँ और बस 2 वाक्य के साथ सर का परिचय आगे दूंगा। पहली बात तो ये कि आज का विषय है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और हिंदी, जिस पर हम सर से व्याख्यान सुनेंगे। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को इस रूप में जरूर याद किया जाना चाहिए कि वह सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि जो नया भारत, भविष्य का भारत था, उसके सपनों और नए भारत के आदर्शों का एक ब्लूप्रिंट भी था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। उसे उस रूप में देखना, समझना चाहिए। और जहां तक विरासत का सवाल है, उसके संदर्भ में इस बात को याद रखते हुए हम आगे बातचीत सुनेंगे सर का, कि विरासत अपने आप नहीं आती है और ना अपने आप निरंतर बनी रहती है, उन्हें लगातार अर्जित करके बरकरार रखा जाता है।
इन दोनों संदर्भ में सर का हम व्याख्यान सुनेंगे। सर के व्याख्यान की शुरुआत से पहले मैं अपने सौभाग्य के अनुसार सर का एक परिचय, औपचारिक परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सर की संपूर्ण शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद की गरिमा को सर लगातार पिछले कई वर्षों से सुशोभित कर रहे हैं, और इससे पहले सर जाकिर हुसैन महाविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात सत्यवती कॉलेज के सर प्राचार्य पद को सर ने सुशोभित किया और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। इसके बाद आपने अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस दिल्ली विश्वविद्यालय में डिप्टी डीन, स्टूडेंट वेलफेयर से लेकर अनेक गवर्निंग बॉडी कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन पद को सुशोभित किया, गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में सर ने काम किया। आपके अध्ययन और अध्यापन, शोध और अभिरुचि का क्षेत्र विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारतीय संस्कृति का अध्ययन, हिंदी भक्ति कविता, भोजपुरी नाटक एवं रंगमंच, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, उच्च शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था आदि रहे हैं। आपके निर्देशन में अब तक अनेक शोध छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप अब तक 10 से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित कर चुके हैं, जो जिनमें कुछ पुस्तकें बहुत चर्चित रही हैं और आलोचना के क्षेत्र में जिनकी विशेष चर्चा की गई है। अनगिनत शोध आलेख सर के निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। सर एक पत्रिका भी प्रकाशित कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। आप अब तक सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में व्याख्यान दे चुके हैं, विशेष रूप से FTP रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रमों में सर की नोट स्पीकर के रूप में बुलाए जाते रहे निरंतर। आप अब तक अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित किए जा चुके हैं। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की संस्कृति समितियों के सलाहकार सदस्य, भारत तथा भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों की कई समितियों के सम्मानित सदस्य के रूप में शिक्षा, संस्कृति, सांस्थानिक विकास में निरंतर योगदान दे रहे हैं। और सर की सबसे बड़ी विशेषता, अपने छात्रों के बीच सर अत्यंत लोकप्रिय प्रोफेसर के रूप में ज्ञात हैं। इन तमाम संक्षिप्त परिचय के साथ मैं सर का फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और सर आपका पुनः स्वागत करते हुए माइक आपके हाथ में सौंपता हूं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान के संरक्षक प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र जी, श्री दीपांकर जी, विनीता तुली जी स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, विजय मणि जी, सौरभ जी मुझे सुन रहे, प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी समुदाय, सबको मेरा प्रणाम। आज संवाद का विषय अरविंद जी ने तय किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और हिंदी। विरासत पर बात करना उत्तरदायित्व पर भी बात करना है। विरासत दाय है, सातत्यता है, जीवन की लयात्मकता है। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के शब्द को उधार लूं तो विरासत लाश्य है। लाश्य समझते हैं ना, लाश्य भारतीय परंपरा में माता पार्वती द्वारा किया गया नृत्य है। पार्वती लाश्य करती हैं और शंकर तांडव करते हैं। सुनिए, ये जो भरतनाट्यम है या केरल का मोहिनी अट्टम है या मणिपुर का लावण्य है, इन सब पर लाश्य का प्रभाव है। लाश्य कोमल है, यौवक है, ललित है और सतत है, विरासत है।
हिंदी के विरासत को भारतीय बोध के लाश्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो मैं उस सातत्यता और उत्सव बोध की बात कर रहा हूं जो भारत के जीवन राग को बनाते हैं। इस जीवन राग की व्याख्या भारत बोध की व्याख्या है, आइडिया ऑफ इंडिया की व्याख्या है। देश कैसा हो, देश किसके लिए हो, देश की अभिव्यक्ति के बिंदु क्या हो, यह समझना हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समझना है और हिंदी के चरित्र को समझना है। प्रश्न यह है कि इस समझ का पाठ क्या हो, टेक्स्ट क्या हो। पाठ से ही तो अवधारणा तय होगी। आयोजकों ने वक्तव्य के लिए जब स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और हिंदी की पदावली निश्चित की होगी तो अनिवार्यतः उनके सामने एक संदर्भ रहा होगा। इस संदर्भ को समझना आवश्यक है। 1947 में मिली अंग्रेज राज से मुक्ति का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से आशय उन घटनाओं, स्थितियों और कर्मों के दाय से है जिसकी निष्पत्ति 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज साहब बहादुर की विदाई के रूप में हुई। यह भारतीय शौर्य की परंपरा के उत्सव से निकला हुआ भाव भी है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरा संकेत इस ओर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और हिंदी पर संवाद, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, असहयोग, चरखा, खादी, बंद गले का कोट और गुलाब की शब्दावली मात्र में नहीं हो सकती है। देखिए ना, अभी हाल तक जिसे आप सिपाही विद्रोह कहकर पढ़ाया करते थे वह अब हमारे विवेक में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बन गया है। वहां अब लचित बरफुकन, रानी गाडिल्लियो, वीर जाधव नांग, बिरसा मुंडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, गोपाना, मोरोपंत पिंगले, पेशवा बाजीराव प्रथम, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त और सिंध के महाराजा दाहिर सब शामिल हैं। हिंदी को इन स्वातंत्र वीरों की सातत्यता में समझा जाना चाहिए। यह सातत्यता एक सभ्यता बोध है। इस सभ्यता बोध को जिन तत्वों ने संभव किया वह संस्कृत है, संत हैं, मठ और सत्र हैं, मंदिर और नामघर हैं, परिव्राजक हैं, यायावर हैं। विलियम कैरे को आप जानते होंगे, ये साहब एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में भारत आए थे। सन 1815 में उनका एक कथन है कि मैं इस भाषा में, यानी इस भाषा यानी किस भाषा में, हिंदी में हिंदुस्तान को समझा सकता हूं। कैरे ने भारत में श्रीरामपुर मिशन और श्रीरामपुर कॉलेज के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बाइबिल का बांग्ला, संस्कृत और कई अन्य भारतीय भाषाओं और बोलियों में अनुवाद किया। भारत में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल के श्रीरामपुर के डेनिस कॉलोनी में डेरा जमाने वाले कैरे ने बांग्ला सीखी, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भारत आए थे, यानी धर्मांतरण,
उसकी पूर्ति में वे तभी तब तक असमर्थ रहे जब तक उन्होंने हिंदी के माध्यम को नहीं अपनाया। वे हिंदी की ताकत को जानते थे। जो लोग भारत में धर्मांतरण के इतिहास से परिचित हैं वे जानते, उन्हें ज्ञात है कि विलियम कैरे आधुनिक ईसाई मिशनरी के जनक कहे जाते हैं। मैं जब ऐसा आपको प्रस्तावित कर रहा हूं तो मेरा संकेत यह बताना है कि चाहे वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेसली द्वारा 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज और इसके प्राचार्य जॉन गेल क्राइस्ट हों या श्रीरामपुर कॉलेज के संस्थापक विलियम कैरे हों, सभी हिंदी की ताकत से परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने विदेशी होते हुए भी हिंदी को प्रश्रय दिया, भले ही यह प्रश्रय साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए दिया गया हो। यह इस देश की जनता का भाषा प्रेम है जो हिंदी को ताकतवर बनाता है। मैं खरी खरी एक बात कहूं, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा या आप जो भी कहना चाहें, उस स्थिति में लाने का कारण कोई महोदय नहीं है, अपितु इसका कारण वो कोटि कोटि हिंदी जन हैं जो हिंदी को आसेतु हिमालय, सुख दुख की, प्रेम घृणा की, जय पराजय की, सपनों की और समृद्धि की भाषा के रूप में स्वीकारते हैं। इस स्वीकार से हिंदी का एक सामासिक और सर्वग्राही चरित्र विकसित होता है। आपको पता है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या हो रहा था? याद कीजिए उस समय को, 20वीं शताब्दी यानी सन 1900 से 1999 तक। अंग्रेजी भद्रलोक बना रही थी, भारतीय मध्यवर्ग अपने सत्ता में होने को और बने रहने को अंग्रेजी से तय कर रहा था। देश की आजादी के आंदोलन की चेतना को अभिव्यक्त करने वाली भाषाई जरूरत का जब प्रश्न आया तो उत्तर था हिंदी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर की जरूरत पर जिन लोगों ने बल दिया वे कोई घुरहू कतवारू मंगरू नहीं थे, वे उनमें से अधिकांश जमींदार थे, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लिए हुए थे और लगभग सभी हिंदी भाषी थे। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बोस, सुभाष चंद्र बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन सभी ने हिंदी को महत्वपूर्ण माना। देखते ही देखते हिंदी इस देश की इच्छा और भावना को अव्यक्त करने वाली भाषा बन गई। अब यह सरकारी बाबुओं, खानसामों, मालियों और सरकारी स्कूलों के झोला छाप विद्यार्थियों की भाषा नहीं है, इसके तमाम रंग और रूप स्वर हैं जो आकर्षक हैं, भविष्योन्मुखी हैं। हिंदी के इन तमाम रंगों और स्वरों के साथ संवाद करना स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के साथ संवाद करना है। एक प्रश्न जो अक्सर लोकप्रिय बातचीत में आता है वह है हिंदी और उर्दू का। हम लोग जब विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी लोग हमें राजा लक्ष्मण सिंह बनाम राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद के उदाहरणों से हिंदी उर्दू विवाद को समझाने की खूब कोशिश करते थे। यह कोशिश सेलेक्टिव फैक्ट्स के आधार पर थी। मित्रों, एक तथ्य तो समझ लीजिए कि केवल लिपि भेद होने से कोई भाषा अलग नहीं हो जाती है। ऐसे भी जिस भाषा में क्रियापद नहीं होते हैं
उन्हें अलग से भाषा मानना नहीं जा सकता। इस आधार पर उर्दू हिंदी से अलग कोई भाषा नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी छूट लूं तो आप इतना कह सकते हैं कि उर्दू हिंदी की अंदाजे बयां है। कहने को तो सुख दुनिया में है, सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और अंदाजे बयां है। थोड़ा और प्यार बढ़े तो कहा जा सकता है कि उर्दू हिंदी की एक बोली है, या जितना जल्दी माना जाए उतना देश के हित में है। उर्दू का एक कवि है वली मोहम्मद वली, जो लोग उर्दू साहित्य के इतिहास से परिचित हैं वे जानते हैं कि वो वली मोहम्मद वली को वली दखनी भी कहा जाता है, उन्हें उर्दू कविता का पिता भी कहा जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ लीजिए, वे अपने गजलों में भारतीय विषय मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये वली दखनी साहब उर्दू की परंपरा को हिंदी के प्रामाणिक पाठ के रूप में पढ़ने का तर्क बन सकते हैं। मीर को तो आप जानते ही होंगे, रखते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं किसी जमाने में कोई मीर भी रहा होगा। मीर तकी मीर, पूरा नाम था खुदाए सुखन मोहम्मद तकी। 1723 में आगरा में पैदा हुए। मैं मीर को इसलिए भी खास कारण से पसंद करता हूं, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली के बारे में अगर कोई प्रामाणिक जानकारी आपको लेनी हो तो मीर तकी मीर को पढ़िए। भारत पर पांथिक अत्याचारों का प्रामाणिक टेक्स्ट है मीर तकी मीर की कविताएं। मेरी न सही मीर की सुन लीजिए, हमको शायर न कहो मीर की साहिब, हमने दर्दो गम कितने जमा किए तो दीवान किया। मैं मीर का उल्लेख उस विरासत को समझने के लिए कर रहा हूं जो फारसी में हिंदुस्तानी शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग की हिमायती है। एक गजल आपने सुना होगा, देख तो दिल की जान से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है, यूं उठे आह उस गली से हम जैसे कोई जहां से उठता है। ये मीर की पंक्ति है। मीर की मृत्यु 1810 में हो गई, यह पंक्ति 18वीं शताब्दी की है। इनकी भाषा और शब्दावली देखिए, या हिंदी है श्रीमान, या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से निकला हुआ वह बोध है जो हमें बताता है कि हिंदी और उर्दू का विवाद तार्किक और तथ्यात्मक नहीं है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है इसका। उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी के बाद मुसलमानों के आगमन से शुरू होता है। यह भाषा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रीय अपभ्रंशों से संपर्क स्थापित करने के लिए उभर कर आती है। इस भाषा के पहले जन कवि या बड़े कवि कहिए तो अमीर खुसरो हैं, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है, और बार बार वो कहते हैं कि यह हमारी भाषा हिंदवी है। मध्यकालीन युग में इस मिली जुली भाषा को कई नाम से जाना गया, जैसे हिंदवी जबाने हिंद, हिंदी जबाने दहली, रेख्ता, गुजरी दक्कनी, जबाने उर्दू मुअल्ला, जबाने उर्दू उर्दू। इस बात के सबूत मिलते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंत तक फारसी मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहने का चलन था। मैं एक बात बताऊं उर्दू के बारे में, तुर्की भाषा में उर्दू शब्द का अर्थ है छावनी, और यह शब्द दिल्ली शहर के लिए प्रयोग किया जाता था जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। उर्दू के बड़े लेखक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी कहते रहे हैं। न जाने लोग कहते हैं किसको सुरूरे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जबां के बीच।
आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जबान के बीच। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के संदर्भ में मैं हिंदी उर्दू और मीर तकी मीर का उल्लेख क्यों कर रहा हूं, सिर्फ यह बताने के लिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हिंदी उर्दू विवाद की अवधारणा एक कंस्ट्रक्ट है, एक निर्मिति है। यह भारतीय समाज को कमजोर दिखने की इच्छा से प्रेरित है। इस संदर्भ में एक बात और उल्लेख करता चलूं मैं कि भाषा को पांथिक आस्था का पर्याय मानना हमारी विरासत के साथ अन्याय करना है। पांथिक समझते हैं ना, सेमेटिक, वन टेक्स्ट पांथिक। इतिहास इस बात का प्रमाण है। मेरे एक बहुत प्रसिद्ध मेरे प्यारे लेखक हैं अकबर एस अहमद, उनकी एक पुस्तक है जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी। पुस्तक कोबो पर है, थोड़ी महंगी है, 3,350 की है, पढ़िएगा। पुस्तक के लेखक अकबर सलाउद्दीन अहमद ने पांथिक मान्यता, भाषाई चेतना और राष्ट्र के प्रश्नों पर अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार किया है। सलाउद्दीन अहमद स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में पढ़े, सन 1943 में प्रयागराज में पैदा हुए और वर्तमान में वाशिंगटन में पढ़ाते हैं, अब वृद्ध हैं। उनको पढ़ना यह जानने के लिए जरूरी है कि पांथिक मान्यताएं भाषाई चेतना का पर्याय नहीं होती। इस संदर्भ में का उल्लेख मैं एक और स्थिति के लिए कर रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का संदर्भ आपको ज्ञात हो। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना और भाषा के नाम पर पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और भाषा संबंधी कार्यकर्ताओं ने उर्दू के वर्चस्व के विरोध में बांग्ला के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। पश्चिमी पाकिस्तान की पुलिस से झड़प हुई। ख्वाजा नजीमुद्दीन उन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, गोली चली, 16 लोग मारे गए। इन भाषा शहीदों की याद में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। जो लोग मारे गए उनका नाम मैं उल्लेखित करता हूं तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मरने वाले लोगों के नाम थे सलाम, बरकत, रफीक, जब्बार, सफीउर, इकबाल। ये मुस्लिम है हम वतन है के खांचे में फिट नहीं बैठते थे। मुझे धीरेन्द्रनाथ दत्त याद आ रहे हैं। धीरेन्द्रनाथ दत्त को आप लोग जानते होंगे, वे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सदस्य थे। 23 फरवरी 1948 को वे पाकिस्तान की असेंबली में बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पांथिक मान्यता के आधार पर देश बन गया, पर भाषा का प्रश्न इससे बड़ा प्रश्न है। वे 1905 में बंगभंग के विरोधियों में भी रहे। भाषाई प्रश्न पर वे पाकिस्तान के पांथिक शासकों को चुभते थे। मैं जब यह आपसे उल्लेख कर रहा हूं तो मेरा संदर्भ उस इतिहास बोध की प्रस्तावना करना है जहां भाषा के प्रश्न को पांथिक प्रश्न, राजनीतिक टुकड़खोरी के प्रश्न, फूल मालाओं के प्रश्न और गुलदस्तों के प्रश्न से अलग करने करके देखने की वकालत में बराबर करता हूं। भाषाई विरासत न केवल संवाद, साहित्य और सृजन जैसे विषयों पर चलती है, अपितु जीवन के राग रंग को कैसे अभिव्यक्त किया जाए इस मुद्दे पर भी चलती है। पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने हिंदी पर बातचीत की, जिन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने की वकालत की, गांधी तो काठियावाड़ी थे,
यह जो पूरा परिप्रेक्ष्य है क्यों पैदा होता है? यह इसलिए पैदा होता है कि इस देश की जो एक सांस्कृतिक सातत्यता का अभाव है उसे भाषाई सातत्यता के रूप में व्याख्यायित किया जाए। 1757 का पलासी का युद्ध, पलासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, फिर इस देश में मुगलिया सल्तनत का पतन और पुनः अंग्रेजों का आगमन, इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो एक खास चीज दिखाई पड़ेगी आपको। जो लोग हिंदी की वकालत कर रहे थे, बड़ा रोचक है यह जानना, हिंदी की पक्षधरता कर रहे थे, उनमें से अधिकांश लोग ब्रिटिश सरकार के संवाद में थे, चाहे वे भारतेंदु मंडल के बड़े रचनाकार हों। अरे भारतेंदु मंडल को देखिए ना, उनमें से अधिकांश रचनाकार तो सेठ हैं या राजे रजवाड़ों से प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता जुड़े हुए हैं। स्वयं भारतेंदु बाबू सेठ अमीचंद की परंपरा में, ठाकुर जगनमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे, अंबिका दत्त व्यास कवि दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र थे, इस परिवार की काशी की विद्वत मंडली में अद्भुत प्रतिष्ठा थी, राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर के एक आभिजात्य परिवार में पैदा हुए थे, लाला श्रीनिवास दास के पिता लाला मंगनीलाल मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद के मैनेजर थे, कार्तिक प्रसाद खत्री तो उद्योगपति ही थे। यह मैं आपको सिर्फ इसलिए बताने के लिए बता रहा हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में जिन महानुभावों ने हिंदी की पक्षधरता की वह किसी लाभ के लिए नहीं था, वह सायास चयन था। सायास चयन और व्यवस्था में चयन को आज के हिंदी पढ़ने वाले खूब समझते हैं। इस सायास चयन का तर्क क्या था? यह देश हमारा है और हमारी भाषा में चलेगा। ध्यान होगा जिस वृत्ति को आचार्य रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण कहा है वह अनिवार्यता स्वभाषा बोध के साथ आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह वाक्य हम सभी के ध्यान में है कि निज भाषा उन्नति है सबै उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को शूल। यह वाक्य हिंदी में आधुनिकता का बोध बनाता है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट से लेकर छायावाद और छायावादोत्तर हिंदी साहित्य का बोध, भाषाई चेतना से संपन्न स्वतंत्रता और आधुनिकता का बोध है। ध्यान देने योग्य बात है कि इस भूमि की भाषाई चेतना आत्ममुग्धता की नहीं रही है। आत्ममुग्धता समझते होंगे, साइकोसोमेटिक मोड, कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, बाकी सब मैं उत्तम हूं, ऐसा भाव नहीं है। वह सांस्कृतिक और बौद्धिक आत्मावलोकन के भाव से प्रेरित है। मैं एक, आप जानते होंगे भारतेंदु का बलिया वाला भाषण, आपको पता है कि बलिया के ददरी में एक मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। 1884 की कार्तिक पूर्णिमा को भारतेंदु ने यहां एक भाषण दिया, जो विद्वान कभी कभार पढ़ते हैं उन्हें यह पढ़ना चाहिए। गंगा और घाघरा के मिलन स्थल पर स्थित पूर्वांचल के ददरी गांव में दिया गया यह भाषण 19वीं 20वीं सदी की भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक समझ का घोषणा पत्र है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, शीर्षक है इस भाषण का। आचार्य रामविलास शर्मा जी ने, क्रिस्टोफर किंग ने, फ्रांसिस्का आर्सिनी ने इस भाषण के बहाने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक समझ को लेकर बहुत लिखा है, इसको पढ़नी पड़िएगा आप लोग। यह तत्कालीन बलिया के कलेक्टर डीटी रॉबर्ट्स के सामने दिया गया भाषण था।
इस भाषण के अंत में भारतेंदु आह्वान करते हैं, भाइयों सब प्रकार के नींद से चौंको, अपने देश पर सब देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह भारतेंदु का वाक्य है। ताकत के सामने अपनी बात कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। एक से एक लोगों को मैं देखता हूं ताकतवर आदमी के सामने उखड़ू हो जाते हैं। भारतेंदु सामने बोल रहे हैं। भारतेंदु का यह भाषण बताता है कि परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, पर स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का मतलब है निज भाषा और निज देश के हितों के पक्ष में बात करना। सत्ता की भाषा मुगलिया सल्तनत में फारसी हो सकती थी और थी भी, अंग्रेजी सल्तनत में अंग्रेजी हो सकती थी और थी भी, पर हिंदी भारतीय समाज का संवाद माध्यम बनकर आई थी। हिंदी भाषा की समाज केंद्रीयता से विकसित होती है। मैं बार बार कहता हूं कि एक समाज के रूप में हम सत्ता केंद्रित समाज नहीं रहे। राजा राव उमराव केते बादशाह भय कहां ते कहां के गए लग्यो न ठिकाना है। ग्वाल की पंक्ति है, मेरे बड़े प्रसिद्ध कवि हैं ग्वाल, मथुरा के थे। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर जितनी संस्थाएं, वे सब के सब समाज केंद्रीयता में बनी हुई संस्थाएं। यह अलग बात है कि देश की आजादी के बाद जिन संस्थाओं को समाज की केंद्रीयता में बनाया गया, वे सब सत्ता की केंद्रीयता में चली गई। मेरा आपसे एक निवेदन है कि 1757 से लेकर 1947 तक के हिंदी को भारतीय समाज की समाज केंद्रीयता और समाज भाषा केंद्रीयता के रूप में पढ़ा जाए। दूसरा प्रश्न, सत्ता का प्रश्न और समाज का प्रश्न भी है। स्वाधीनता किसकी? स्वाधीनता हिंदी समाज की। और यही कारण है कि जो लोग हिंदी समाज से इतर हैं या थे, वे एक ऐसी भाषा की वकालत कर रहे थे जिससे इस देश का मानस बनता और बढ़ता है। 200 सालों में यानी 1757 से 1947 के बीच भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के प्रतिपक्ष में खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, हिंदी समाज में हिंदी के प्रश्न पर जब भी आप बातचीत करें तो समाज केंद्रीयता के संदर्भ में बातचीत कीजिएगा, और इस रूप में बातचीत कीजिएगा कि हिंदी के राग को, देश के रंग को, देश के मन को एक ऐसी भाषा में बोलने की बात है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कटक तक का व्यक्ति समझ सकता हो। बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा चूंकि हिंदी है, तो यह आपके सामने आती है। और यही चेतना आपको एक आत्मचिंतन की भी चेतना देगी। इसलिए आप देखेंगे संवादी स्वरों को भी उतना ही सम्मान देती है जितना संवादी स्वरों को देती है। हो सकता है ऐसा ऐसी चेतना इस देश ने विभिन्न भाषा भाषी साहित्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया होगा, पर दो वाक्य हैं। हिंदी नवजागरण की शुरुआत दो वाक्यों से होती है, भारतेंदु के दो पत्रिकाओं की दो पंक्तियां हैं। ध्येय वाक्य, हो ही मनुष्य ही क्यों भये हम गुलाम वे भूप और नारी नरसम हो। ये दो वाक्य हिंदी नवजागरण में हिंदी की स्वतंत्र चेतना की प्रस्तावना करते हैं। ये उस बराबरी की प्रस्तावना करते हैं जो एक लोकतांत्रिक सबल राष्ट्र के निर्माण के बिंदु की प्रस्तावना है।
स्वातंत्रोत्तर भारत में जिस संविधान की हम कसमें खाते हैं उसके ये मूल बिंदु हैं जो हिंदी की आत्मचेतना से निकलती है। इसलिए हिंदी पर जब भी बात करें तो मेरा आपसे एक आग्रह है, हिंदी आत्ममुग्धता की भाषा नहीं है, वह आत्मचेतना की भाषा है। जिस राष्ट्र के निर्माण की आप बात करते हैं उस राष्ट्र का निर्माण आत्मचेतस व्यक्ति के साथ आत्मालोचन की प्रक्रिया से निकला हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा का एक गंभीर पक्ष और है, एक सबल राष्ट्र कैसे बनेगा, उस राष्ट्र की भाषा क्या होगी, और जब देश बनेगा तो यह देश अपना राग, अपना दुख, अपनी संवेदना किस भाषा में व्यक्त करेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदी को एकांकिक पांतिक मान्यता के रूप में समझने की कोशिश में नहीं की जानी चाहिए। हिंदी को ब्रजभाषा ने बनाया, हिंदी को अवधि ने बनाया, हिंदी को भोजपुरी ने बनाया। बैसवाड़े से निराला जी आते हैं, जयशंकर प्रसाद भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। हिंदी अपने स्वभाव में सर्वग्राही है, एसिमिलेटिव है। देखिए, बड़े होने की क्या पहचान है? बड़े होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप असहमत को भी सम्मान देंगे। आप केवल अपने इर्द गिर्द जी जी करने वाले लोगों को रखें तो आप बड़े नहीं है। हिंदी का एक स्वभाव है कि वह अपने से असहमत लोगों को भी, अपने से असहमत भाषा को भी सम्मान देती है। वह क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से शब्दावली ग्रहण करती है और भावबोध ग्रहण करती है, और शायद इसीलिए टिकाऊ है। तिलक जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो इसी सर्वग्राही चरित्र के कारण कर रहे हैं। अगर हिंदी को आप एक पांथिक, एक पक्षीय, गलदश्रु भावुकता के साथ बोले जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकारिएगा तो उस सांस्कृतिक सातत्यता के साथ न्याय नहीं कर पाइएगा। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत एक बात और बताती है कि यह सिर्फ रोने धोने की भाषा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मैं तो जिस विभाग में पढ़ाता हूं वहां रोना एक स्ट्रेटजी भी है, रणनीति भी, और रोंदू किस्म के विभाग है। वो सिर्फ इश्क करने की भाषा नहीं है, हिंदी शासन की भी भाषा है, हिंदी लोकतंत्र की भाषा है, हिंदी संविधान की भाषा है, हिंदी सबल राष्ट्र की भाषा है। जब आप हिंदी की बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक के लोगों की आवश्यकताओं, सुशासन, स्वाभिमान और सत्ता के अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में बात करें। हिंदी को अगर आपको समझना हो तो हमारे दो ग्रंथ हैं, उनसे आप समझिएगा, रामचरितमानस और महाभारत। महाभारत एक ऐसे स्थल पर खड़ा है जहां भाई भाई के लिए कहता है, शुक्चाग्रं नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, एक इंच भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और रामचरितमानस एक ऐसी जगह खड़ा है जहां एक भाई दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ा कर चला जा रहा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हिंदी इन दो विरोधी भाव बोधों के बीच रास्ता निकालती हुई भाषा है, इसीलिए बची हुई है। इसमें लोहिया हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी होने की संभावना, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों के भावबोध को जिस हिंदी में अभिव्यक्त किया जाएगा वह इस देश के साथ संवाद की भाषा होगी। एक निवेदन और है, सिर्फ सत्ता संस्थानों की भाषा, विश्वविद्यालयों की भाषा, पाठ्यक्रम की भाषा, कविताओं की भाषा, कमिटीज की भाषा बनाकर हिंदी को रखना स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के साथ अन्याय करना है। हिंदी का सौभाग्य है कि वो गली मोहल्लों की भाषा है, हिंदी का सौभाग्य यह है कि वह मालियों की भाषा है, हिंदी का सौभाग्य है कि वह नागरी है, बाजार की भाषा है। इसीलिए हिंदी बची रहे तो
तो इस देश के सपने भी बचे रहेंगे, सांस्कृतिक सातत्यता बची रहेगी, गरीब आदमी का सपना बचा रहेगा, दर्जियों के बेटों को दारोगा होने के लिए जगह बची रहेगी, मालियों के माननीय होने का स्पेस बचा रहेगा। हिंदी गई तो एक सबल और समर्थ समाज का सपना भी गया। मैं एक बात कहूं आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी सपने का दस्तावेजीकरण है। आपने बुलाया, अरविंद जी कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फिर कभी। जी सर, जरूर आपको आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्राचार्य महोदय का आभार। और मुझे तो कभी कई बार लगता है कि मैं आत्मराम सनातन धर्म महाविद्यालय में नौकरी ही करता हूं। आप सबों का आभार, नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई, आप आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से दिल से जुड़े हुए हैं, नौकरी थोड़े करना है ये। आभार आपका, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आज हिंदी दिवस पर थोड़ा सा हटकर हमने बहुत सारी बातें सुनी। आमतौर पर हिंदी कैसे वैश्विक है, हिंदी कैसे इतने लोगों की, इतने देशों की, इतने प्रदेशों की भाषा है टाइप बातें होती है हिंदी दिवस पर, और उसको अकूत शक्तिशाली भाषा के रूप में खामखा दिखाने और बताने की कोशिश की जाती है। हिंदी स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली भाषा है, इस बात को स्वीकार किए बिना। सर, आप आज आपने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसे भाषाई, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखा, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई कि विरासत पर बात करना उत्तरदायित्व पर बात करना होता है, और विरासत को आपने बिल्कुल एक नए अर्थ में हमारे सामने रखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में हिंदी भारत के जीवन राग यानी लास्य बोध की भाषा बन जाती है, और इस अर्थ में हिंदी पर जब बातचीत हो तो इस लास्य बोध के संदर्भ में भी बातचीत की जानी चाहिए। लास्य बोध किसी समाज के बहुत जीवंत होने का प्रतीक होता है, और इस अर्थ में हिंदी भाषा उस भारतीय समाज के जीवंत होने की भाषा है, और उस पर बातचीत हो तो भाषा की जीवंतता पर बातचीत हो। आपने बहुत ही मार्मिक और सार्थक प्रसंग उठाया हमारे सामने। आपने आग्रह किया कि जब आप हिंदी को समझने की कोशिश करें उसे स्वातंत्र वीरों की सातत्यता में समझा जाना चाहिए, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की संपर्क और अनिवार्य भाषा के सवाल को कैसे लोगों ने उठाया, और उन उठाने वाले लोगों में, राष्ट्रभाषा के अनिवार्य भाषा के रूप में उठाने वाले लोगों में कैसे मुख्य रूप से गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्वानों और आंदोलन कर्मियों की कितनी बड़ी भूमिका थी, इसे भी आपने हमारे सामने रखा। हिंदी पर हिंदी वाले चिंता ज्यादा जाहिर करते हैं, ऐसा संदर्भ उठाकर के आपने शायद एक संकेत दिया कि हिंदी पर हिंदी वाले जो बात करते हैं वो चिंता ज्यादा जाहिर करते हैं, काम कम करते हैं, जबकि जो जिन्हें हम गैर हिंदी भाषी कहते हैं वो चिंता कम करते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार या विकास में भूमिका ज्यादा निभाते हैं। सर, आपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हिंदी की विकसित होने वाली जो समावेशी हिंदी का चरित्र था उसकी तरफ आपने इशारा किया, जिसके तहत हिंदी अनेक बोलियों, क्षेत्रों, धर्मों, अनेक तरह की जातीय राष्ट्रीयताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकसित हुई और सामूहिक सामाजिक साझा संस्कृति की भाषा के रूप में आगे आई। इसे बाद में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में भी देखा गया। इस तरह आपने हिंदी भाषा का व्यक्तित्व रेखांकित करते हुए उसे एक लोकतांत्रिक भाषा माना और बताया कि भारत में पहले से चली आ रही सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्यों को किस तरह हिंदी धारण करते हुए एक आधुनिक भाषा के रूप में उपस्थित होती है और अखिल भारतीय भाषा बनती है, जिसे हिंदी के किसी, आपने ठीक ही इशारा किया कि इसे हिंदी के किसी एक दो विद्वान ने नहीं बल्कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आजादी पूर्व भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर तक के लोगों ने विकसित किया, सजाया और संवारा। आज हिंदी पर बात करने और उसे बनाए रखने का मतलब भारत की उस संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना और आगे बढ़ाना है। आपने इस बात की तरफ भी बहुत ठीक इशारा किया कि भारतेंदु के बलिया वाले भाषण का जिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हिंदी स्वदेशी होने के चरित्र को
खत्म संगीता प्रदान कर रही थी, और इस रूप में हिंदी आरंभ से ही समाज केंद्रित भाषा के रूप में विकसित होती रही है। इसीलिए हिंदी विभिन्न विषमवादी स्वरों के बीच आज भी संवाद का माध्यम बन पाती है। और आपने बहुत सही सचेतन रूप से ये बात कही है और सावधान किया है कि हिंदी को पांथिक एक पक्षीय गलदस्त्र भावुकता से बचाने की बहुत अनिवार्य जरूरत है, तभी एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र और भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक सातत्यता के रूप में हिंदी लगातार काम करती रहेगी, विकसित होती रहेगी। इन तमाम संदर्भों में आपका भाषण आज एक महत्वपूर्ण विशेष ज्ञानवर्धक और नई सोच के साथ हम सबको हिंदी के संदर्भ में नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरणा देने वाला भाषण रहा। सर, आपका इस भाषण के लिए, इस वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार। मैं देख रहा हूँ कि सर का चेहरा मुरझाया हुआ सा है, और मैं जानता हूँ कि सुबह से सर ने लोगों का कितना, सर के शब्दों में कहें तो, शोषण किया है, लगातार बुला बुला के सर को परेशान किया है। लेकिन अगर सर की आज्ञा हो तो सत्र को थोड़ा सा विस्तार और देते हुए 2-3 प्रश्न हम ले सकते हैं, अगर सर आज्ञा दे। आदरणीय प्राचार्य महोदय के सामने मेरी आज्ञा का कोई मतलब नहीं है। जी जी, आदेश उनका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दो प्रश्न ले लें, ज्यादा नहीं जी, क्योंकि आज कई जगह जी सर जी गए हुए हैं पुरोहिती करने, तो होंगे। सर, प्राचार्य महोदय की मुस्कुराहट से हम तो कई तरह की आज्ञा और अनुज्ञा का भाव समझ जाते हैं, इसीलिए वहां से तो आज्ञा पूर्ववत ग्रहण करके चलते ही रहते हैं। बस सर की आज्ञा से मैं इससे पहले कि आप प्रश्न लें, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जी जी सर, जी सर, प्लीज। चंदन प्रोफेसर चंदन कुमार जी को सुनना हम सबके लिए बहुत सुखद होता है, और उनका ओजस्वी और तेजस्वी जो भाषण होता है वो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सबको प्रेरित करता है और सबके लिए ज्ञानवर्धक है। और इन्होंने अपने आज के भाषण के दरमियान आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अब तक के हिंदी की विरासत और उसकी परंपरा, उसके दायित्व और उसका दाय जिस तरह से हम सबके सामने रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही स्तुत्य है, श्लाघनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के सामने खास करके इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है, एक नए अंदाज में, नए कलेवर में और नए शिल्प में इन्होंने नई बातें भी कुछ कही हैं, तो वो समझने के लिए, समझना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छोटे से आमंत्रण को वो आदेश मान लेते हैं, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन वो समय देते हैं और हमारे कॉलेज के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, मेरे कहे को कभी टालते नहीं, इसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत बहुत आभार। मैं दो प्रश्न सर की आज्ञा से रख रहा हूँ। सर, एक प्रश्न है, सुधार्थी हैं विकास कुमार, उनका प्रश्न है। वे कहते हैं सर कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को व्यक्त करने वाली भाषा हिंदी थी। हम आज आज़ादी के अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा को लेकर एक खास तरह का हीनता बोध है। ऐसे में हम इस विरासत की सातत्यता को कैसे बनाए रखेंगे? सर, विकास जी नमस्कार। हीनता का बोध या उच्चता का बोध, ये दोनों ही ग्रंथियां खराब है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, और आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल। कि देखते ही देखते हिंदी इस देश में सत्ता, लोकतंत्र और ज्ञान विज्ञान की भाषा बन रही है। हिंदी अब सिर्फ मालियों और खानसामों की भाषा नहीं है। थोड़ा सा विचार हिंदी वालों को भी करना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा है तो उसमें राष्ट्र भी तो आना चाहिए। रही बात बदलती हुई परिस्थितियों में हिंदी की भूमिका की, आपका प्रश्न एक बड़े प्रश्न को संबोधित है। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदी की ताकत, इस देश के करोड़ों हिंदी जन हैं, और उन हिंदी
उस हिंदी जन ने बाध्य किया है दुनिया की बड़ी पूंजियों को, तकनीकी को, कि वो हिंदी केंद्रित हो। और ये खुला खेल है, और यह खुला खेल हिंदी के लिए जगह मुहैया करा रहा है। मैं आपको, आप जानते भी होंगे, इसी दक्षिण भारत में जहां हिंदी को लेकर आंदोलन चले, हिंदी के विरोध में आंदोलन चले, वहां एक दूसरी पीढ़ी पैदा हुई है, नई पीढ़ी पैदा हुई है जो हिंदी को खूब समझती है और हिंदी बोलती है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में आप जाएं, असम में हिंदी विरोधी आंदोलन चला, पर नई पीढ़ी हिंदी में खूब शोध कर रही है, हिंदी में नौकरियां पा रही है। देश का मन बदला है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जहां किसी किस्म की पांथिक आग्रह चलेंगे नहीं, अतिवादी विचारों और अतिवादी मूल्यों के लिए अब कोई जगह नहीं है। और दूसरा, हिंदी इसलिए बनी हुई है कि हिंदी एक बड़ा बाजार है, हिंदी पूंजी के खेल में शामिल है, हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, तकनीकी संबलित हिंदी बची रहेगी। हाँ, जब तुम रेल सी गुजरती हो तो मैं पुल सा थरथराता हूं, यह कहना और वाह वाली हिंदी पर अभी मुझे उसके भविष्य पर संदेह है। हिंदी को बचे रहना है तो हिंदी के विभागों को हिंदी भाषा का विभाग बनना होगा, रंगमंच का विभाग बनना होगा, अनुवाद का विभाग बनना होगा, तभी हिंदी बची रहेगी, और यही हिंदी बची रहेगी। मेरा सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत सही कहा कि जब तक हिंदी तकनीक और प्रायोगिक दुनिया से जुड़कर नहीं चलेगी आगे, तब तक उसके बचने और न बचने के सवाल अपने आप आपको उलझाते रहेंगे। एक प्रश्न है सर, जो भाषा की राजनीति को लेकर है। हम लोगों ने राष्ट्रीय सेमिनार भी करवाया था सर के नेतृत्व में, हमारे आचार्य महोदय तक प्रिंसिपल नहीं थे, भाषा की राजनीति और राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल को लेकर हमने सेमिनार किया था। ये दूसरा सवाल, जो जामिया अविनाश बनर्जी हैं, ये शोधार्थी होना चाहते हैं अभी, हमें उन्होंने पास आउट कर रखा है, इनका सवाल है। वे कहते हैं कि सर, जब हम हिंदी के प्रयोग की बात करते हैं तो उसके सामने तुरंत अन्य भारतीय भाषाओं को खड़ा कर दिया जाता है। इस स्थिति में हम समझ नहीं पाते कि क्या हम अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी को श्रेष्ठ साबित करने के प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अविनाश जी, राजनीति पर तो बात करना थोड़ा सा एक दूसरे इलाके में चला जाना है, पर हिंदी को लेकर जो विरोध और राजनीति हुई, वह कई बार जनता तक वह विरोध इसलिए गया कि गलत स्थितियों में हिंदी की व्याख्या हुई। मैं एक उदाहरण दूं तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का नाम आपने सुना होगा, मराठी भाषी से सरसंघचालक थे। हिंदी तब मद्रास हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कार्यक्रम था, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर और सीएन अन्नादुरई दोनों एक मंच पर थे। तमिल में अन्ना बड़े भाई को कहते हैं। सीएन अन्नादुरई ने कहा कि मैं हिंदी, तुम हिंदी मुझ पर थोपोगे, मैं चलने नहीं दूंगा। जब आदरणीय गोलवलकर जी को बोलने की बात उठी तो गोलवलकर जी खुद मराठी भाषी थे पर हिंदी के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध मालकिन और दासी का नहीं है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध बड़ी बहन और छोटी बहन का है। सीएन अन्नादुरई उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इफ दैट इज द अप्रोच देन आई सपोर्ट इट। प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि आप हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतिपक्ष में ना खड़ा करें, अन्य भारतीय भाषाओं के संवाद में खड़ा करें, और संस्थाओं या व्यक्तियों और राजनीति ने भले ही एक दूसरे का प्रतिपक्ष बनाया हो, पर एक नई आती हुई स्थिति ने, लोकतंत्र ने, नए मध्यवर्गीय आकांक्षाओं ने
और 17 साल के उस युवा ने जो कंप्यूटर पे दुनिया नचा रहा है वह इस किस्म की प्रतिपक्षी व्याख्याओं से मुक्त है। उसके लिए एक हिंदी है जिसमें वो गाना गाता है, उसके लिए वो एक हिंदी है जिसमें वो अपना भविष्य तलाशता है, उसके लिए एक हिंदी है जिससे वो ट्रेन में, बस में और हवाई जहाज में बात करता है। हिंदी उस नए आते हुए वर्ग के साथ संवाद करने वाली भाषा है, इसलिए राजनीति के लिए अब बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है। मेरी व्याख्या इतनी है। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। इसी प्रश्न के साथ कार्यक्रम को अंतिम रूप देना चाहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार, आदरणीय प्राचार्य महोदय का, अरविंद जी का और उनकी पूरी टीम का। जी सर, सादर आभार, नमस्कार। जी सर, IQSE शैल आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से और कॉलेज के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर ज्ञानपोष कुमार छा सर की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। कार्यक्रम में शामिल हमें हमारे विभाग के तमाम साथियों, सहभागियों, अनिल जी, रूबी जी, गीता जी, संतोष जी, विजय नारायण मणि जी, श्रीधरम सर आदि अन्य सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार कि आप सब उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। दूसरे कॉलेज से आए, जैसे वेंकटेश्वर कॉलेज से आए श्री रामकिशोर यादव सर जी, अर्चना जी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से जुड़े अरुणाकर पांडे जी और अपने कॉलेज के अन्य विभागों से जुड़े कंचन श्रीवास्तव जी, राजकुमार भगत सर जी वगैरह वगैरह, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार और उन अपने तमाम छात्रों का जो इस कार्यक्रम के आयोजन में लगातार लगे रहे और जिनके तमाम मेहनत और के परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम हमारे सामने फलीभूत हुआ है, उनका धन्यवाद। खास करके जो ये जूम पर हम लोग कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं तो जूम का जो हमारा टेक्निकल टीम है कॉलेज का, उस पूरी टीम का भी हृदय से आभार आज के इस कार्यक्रम में के आयोजन में सहयोग और देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों, छात्रों, दोस्तों, आप सबका फिर से हृदय से आभार। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।